वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीवन, मैं डून डिफेंस एकेडमी की तरफ से प्रकाश खंडेलवाल, जीएस फैकल्टी, आप सभी लोगों को आज करंट अफेयर्स सेट 2 हम आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि आप हर वीक देख रहे हैं, हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाते हैं, और वो जो क्वेश्चंस आप लोगों के जो लाए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स वाले सवाल आएंगे उनमें बड़े काम आपको आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहला जो करंट अफेयर्स वीडियो रहा होगा उसको अच्छे से तैयार किया होगा। जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है करंट अफेयर्स सेट 2, इसमें हमारे पास 31 क्वेश्चन है, तो अच्छे से हम करके चलेंगे। और कुछ क्वेश्चनों पर हम डिटेल है हल्का फुल्का तो हम लेके चलेंगे, बाकी जनरल सवाल हैं आपको उनके आंसर्स कन्फर्म होने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट यानी कि यूटी स्टेट हो या यूटी हो, हैज रिसेंटली लॉन्च ए स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्लान कॉल्ड स्टूडेंट हेल्थ कार्ड। क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में स्टूडेंट हेल्थ कार्ड नामक एक स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा योजना शुरू की है। अब आपको यह बताना है कि वो कौन सा राज्य है या कौन सा यूटी है जिसने अभी हाल ही में अपने बच्चों के लिए स्टूडेंट हेल्थ कार्ड के नामक एक स्कीम स्टार्ट की है। मैं थोड़ा सा आपको इस बात का कंफर्म करता हूं, ये स्कूल जो हेल्थ कार्ड स्कीम है ये रेगुलर हेल्थ चेकअप की बात करेगा, जो मोस्टली आप जान रहे हैं बच्चों में बड़ी हाल फिलहाल में काफ़ी मौसम चेंज होने की वजह से डिजीज वगैरह फैलती रहती है। तो ये क्या है कि रेगुलर एक हेल्थ चेकअप टाइप का किया गया है, ठीक है। और इस स्कीम को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने, सबसे पहले लॉन्च किया गया है इस स्कीम को जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। और जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि अभी आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ठीक है, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है जीसी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और ये लॉन्च हुई है 5 मार्च 2022 को, बस इतना ही याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने लॉन्च किया है इसको 5 मार्च 2022 को, ये 2020 सॉरी इसमें 2022 नहीं करना, हमें 2020 करना, ठीक है, 5 मार्च 2020 करना है इसको 2020, ठीक है, 5 मार्च 2020 को ये स्कीम लॉन्च हुई है। क्लियर बच्चा? तो ध्यान रखना है जीसी मुर्मू के द्वारा लॉन्च की गई है। और मैंने बता ही दिया आपको कि स्कूल हेल्थ कार्ड मतलब बच्चों का रेगुलर चेकअप से संबंधित ये स्कीम है, ठीक है। यहाँ 2020 करना, बाय मिस्टेक ये 2022 मैंने यहाँ पर लिख दिया था, यहाँ 5 मार्च 2020 आप करके चलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। OTPRMS सर्टिफिकेट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। हाल ही में खबरों में रहा OTPRMS सर्टिफिकेट किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है। तो ध्यान देने वाली बात यह बच्चा कि ये किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का एक सेटअप है, NCTE के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, NCTE नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन जो आपका सिस्टम, उसके रिगार्डिंग ये क्या है कि टीचर्स का वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है। और ये आजकल डिजी लॉकर पे भी आप इसको सर्टिफिकेट है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पंजीकरण करना आसान है उन टीचर्स के लिए, ठीक है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर हैज बीन सेट अप इन विच सिटी। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पुणे, पुणे में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आप
पुणे करके आना, ठीक है। चलिए, जनरल सवाल है, फैक्ट में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, उज रिवर की बात करें, विच वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज, इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ दीज रिवर। क्वेश्चन है कि उज नदी जो हाल ही में चर्चा में रही, इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चा, वैसे तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं क्वेश्चन का आंसर, में रावी की सहायक नदी है। और खासियत पता है क्या है इसकी, उज नदी पे क्या काम हो रहा है, यहां पर एक बड़ी फेमस मल्टीपर्पज स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। और यहां जो मल्टीपर्पज स्कीम लॉन्च की गई है, उस स्कीम को लेकर ही ये अभी चर्चा में है उज जो है, ठीक है, तो ध्यान देना। और उस मल्टीपर्पज जो स्कीम है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि उसमें वाटर के साथ साथ हम इलेक्ट्रिसिटी का भी डेवलपमेंट करेंगे। मल्टीपर्पज का मतलब होता है जब किसी एक प्रोजेक्ट के द्वारा एक से ज़्यादा काम किए जाएं, तो यहाँ पे बिजली परियोजना इलेक्ट्रिसिटी भी फ्रेम की जाएगी। इसको हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय उसके द्वारा हरी झंडी मिल गई है इस स्कीम को, तो ये इसलिए प्रचारित है, इसलिए न्यूज़ में है, क्योंकि इस परियोजना पे अब पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे देखिए, द जयनगर कुर्था रेलवे लिंक विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली कनेक्ट इंडिया विद विच कंट्री। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत को किस देश से जोड़ता है? अच्छा, जयनगर का जो क्षेत्र है वो बिहार का पार्ट है, कुर्था जो है वो आपका नेपाल का है, तो भारत और नेपाल को जोड़ रहा है, भारत के बिहार से और कुर्था नेपाल तक का ये एक रेलवे रूट बनाया गया है, ठीक है। और इस रूट के रिगार्डिंग बताता हूं आपको, ये 34.9 किलोमीटर लॉन्ग होगा, ये ध्यान रखना है, और बिहार से स्टार्ट करके कुर्था तक ये जाएगा नेपाल तक, ठीक है। चलिए, तो अब ये कह सकते हैं कि बॉर्डर रोड रेलवे प्रोजेक्ट आप इसको मान सकते हैं। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज सेट टू कंडक्ट ए डेडिकेटेड स्टेट लेवल अदालत फॉर एलजीबीटी कम्युनिटी। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपसे पूछ रहा है कि एलजीबीटी कम्युनिटी क्या होती है। पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि किस स्टेट ने हाल ही के अंदर मतलब एलजीबीटी समुदाय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय अदालत आयोजित करने के लिए तैयारी की है। तो इसका आंसर में आपको ध्यान देना है, ये पहले क्या था, ये एलजीबीटी का मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ एलजीबीटी होता क्या है। पहले आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एलजीबीटी का मतलब होता है बच्चा लेस्बियन, और जी का मतलब होता है यहाँ पे गे, ठीक है, और बी का मतलब यहाँ पे हो गया बाइसेक्सुअल, ठीक है, और टी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसजेंडर, ठीक है। ये पहले इन सब के लिए कॉमन वर्ड गे का इस्तेमाल करते थे, अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, इससे इसकी सही डेफिनेशन नहीं क्लियर हो पाती, तो अभी हाल ही में इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ किया गया, सबके लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ किया गया एलजीबीटी, तो इसका यूज़ किया गया है केरला के द्वारा लेटेस्ट में, तो यहाँ पे हम करेंगे केरल। एलजीबीटी कम्युनिटीज़ के लिए जो ग्रोमेंट आपको दिखाया गया है वो केरला सरकार के द्वारा दिखाया गया है, इस पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चा। ओके, क्वेश्चन है, द सेकंड तेजस एक्सप्रेस विच वॉज रिसेंटली फ्लैश ऑफ कनेक्ट मुंबई विद विच सिटी। दूसरी तेजस एक्सप्रेस से हाल ही में हरी झंडी मिली, मुंबई को किस शहर से जोड़ती है? तो मुंबई को जोड़ती है ये अहमदाबाद से। कहाँ जोड़ती है ये? मुंबई टू अहमदाबाद ये रूट कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आंसर में करना है आपको अहमदाबाद। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच स्टेट रिसेंटली पास ए बिल टू आइडेंटिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो एजुकेशन स्टेटस। हाल ही में किस राज्य ने सामाजिक शैक्षिक स्थिति के आधार पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? भाई, इससे ये कंफर्म हो जाएगा कौन सोशल और इकोनॉमिक रूप में पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी पहचान के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो इसका राइट आंसर हो बच्चा सी, उड़ीसा होगा इसका राइट आंसर, आप सी करके आना इसके आंसर में।
एक बार मैं फिर से बैक कर लेता हूँ, उसके आंसर लगाता हूँ आप लोगों को। अब चेक करेंगे तो इसका राइट आंसर है बच्चा सी। इसका राइट आंसर सी करना, उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। विच स्टेट इज टू सेट अप इंडिया फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी एट ए कॉस्ट ऑफ अवर रुपीज 850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हमें इस बात का ध्यान देना है कि 850 करोड़ की लागत से वो यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी भाई, और स्किल यूनिवर्सिटी है वो बनाई जा रही है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखें तो इसका आंसर होगा बी, असम में। और यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख लीजिए आप, इस यूनिवर्सिटी का नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी लिखेंगे बच्चा। इसका नाम होगा श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी भाई, स्किल यूनिवर्सिटी आपका, इसका नाम होगा श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, विश्वकर्मा आपको ध्यान देना है, इनका नाम है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, जिसको डेवलप किया गया है 850 करोड़ की लागत से, ये डेवलप होगी असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which Indian State Assembly played the national anthem after almost 60 years? लगभग 60 वर्षों के बाद किस भारतीय राज्य विधानसभा ने राष्ट्रगान बजाया? किस राज्य की विधानसभा में 60 साल के बाद राष्ट्रगान बजा है? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड, क्योंकि नागा हमेशा अपने आप को भारत संघ से अलग एक राज्य क्षेत्र के रूप में स्थापित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम फुल फ्लेज एक कंट्री बन जाएं, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाया, इसके लिए काफी विरोध भी किया गया नागा ग्रुप के द्वारा। ठीक है, नागालैंड के बारे में आप जानते होंगे कि असम की नागा पहाड़ी और त्वेंसांग एरियाज को मिला के नागालैंड बिल्ड किया गया था। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेट पॉइंट तो शुरुआत से ही रहा है, लेकिन अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन्होंने 60 साल के बाद अपनी नेशनल असेंबली के अंदर राष्ट्रगान बजाया है, ये बहुत अच्छी बात है नागालैंड की साइड से, है तो भारत का क्षेत्र ना, तो ये एक प्लस पॉइंट हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। एनडीएचएम सैंड बॉक्स एनवायरमेंट हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, व्हाट डज एच इन एनडीएचएम स्टैंड फॉर? एनडीएचएम सैंड बॉक्स का माहौल हाल ही में खबरों में रहा है, एनडीएचएम में एच का क्या अर्थ है? तो पहले तो आप एनडीएचएम का पूरा नाम ध्यान दीजिए, इसका फुल नाम होता है नेशनल, एन से बना नेशनल, डी से बना है डिजिटल, डिजिटल, और एस से बना है हेल्थ, और एम से बना है मिशन। तो एस से क्या बन गया? हेल्थ। आप पैरा कर सकते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, और एस से बन गया हमारे लिए हेल्थ। तो इसमें हेल्थ ही पूछा है, एच पूछा कि एच का नाम क्या है, तो उसका एच का नाम हो जाएगा आपका हेल्थ, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रोजेक्ट दंतक विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ BRO कैर्ड आउट इन विच कंट्री? प्रोजेक्ट दंतक जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश में BRO की प्रमुख परियोजना है? बड़ा अच्छा सवाल है ये, और इसका राइट आंसर भूटान है। आपको याद होगा ये दंतक एक BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सबसे प्राचीन योजनाओं में से एक है। ये भूटान के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी को बिल्ड कर रहा है। ठीक है, 1961 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, तो 60 साल हो गए हैं 2021 के अंदर इस प्रोजेक्ट को, तो इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ध्यान रखना है। BRO की ओल्डेस्ट योजनाओं में से एक है जो वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए बनाई गई है। वहां के महाराज किंग जो थर्ड, उन्होंने और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये दंतक स्कीम वहां पे स्टार्टिंग में लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये रोड नेटवर्क आपको कंफर्म करना है। क्वेश्चन 13 पे आ जाइए। व्हाट इज द न्यू नॉमिनिकल्चर ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख? इन दोनों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट का नामकरण क्या रहेगा, आप ध्यान रखना है। तो इनके लिए एक नया नाम दिया गया है, जम्मू कश्मीर और केंद्र प्रदेश लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के सामान्य उच्च न्यायालय का नाम है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, अब इसका नाम ये है। क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर में आप ए करके आएंगे। ठीक है, ये इसका नया नाम होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर एज वाटर प्लस सिटी, हाल ही में किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। आपको ध्यान देना किस शहर के नगर निगम किया गया, तो आंसर होगा विशाखापट्टनम। डिटेल लिखने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि डंडन सवाल पूछा गया है, डेट सवाल है, तो वाटर प्लस शहर घोषित किया गया विशाखापट्टनम के नगर निगम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कोल रिजर्व इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 15 के आप चेक करेंगे तो सबसे अधिक कोल भंडार हमें पता है कहां पर है, झारखंड। क्या करके आओगे आंसर में, झारखंड करके आना, सबसे अधिक कोल रिजर्व क्षेत्र आपके झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट आपको पूछा गया है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ SRB ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020 और 21, 2021 में भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात। अब वो लिंग अनुपात पूछ रहा है, लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 मेल पर फीमेल की संख्या, तो वो हमें बतानी कितनी है, अभी लेटेस्ट में कितनी है। 2020-21 की बात करेगा तो हमें करना है 937, तो हमारा जो सेक्स रेशियो चल रहा है इस समय 937, आपको ध्यान रखना है 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी होगी, ये चेक करना ही हमारा सेक्स रेशियो होता है, तो 937 आप चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हुज इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता कौन करता है, तो NDMA की अध्यक्षता कौन करता है, ध्यान देना, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता हमारे PM साहब करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, ठीक है भाई, तो आंसर में होगा PM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वाराणसी डिक्लेरेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, हाल ही में खबरों में रहा वाराणसी घोषणा पत्र किस क्षेत्र से संबंधित है। अब बच्चे देखा यहां पे ना क्वेश्चन बनेगा किस क्षेत्र से, तो वाराणसी में क्या है, अभी मोदी साहब ने वहां पे नई एजुकेशन स्कीम को लॉन्च करने की बात कही है, ठीक है, तो उसे हम वाराणसी डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, तो इसमें आएगा एजुकेशन, क्या आएगा, कौन से फील्ड पे फोकस करने की बात की गई है, एजुकेशन पे फोकस करने की बात की गई है, तो यहां पे एजुकेशन आएगा। नेक्स्ट, विच कंपनी सेट टू एस्टेब्लिश फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक्स 2024, कौन सी कंपनी पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए तैयार है, तो इंडिया हाउस पहली बार बनाया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है, तो यह कंपनी पहली बार पेरिस ओलंपिक 2024 के जो ओलंपिक होंगे समर ओलंपिक वो आपके पेरिस में होंगे, तो वहां पर ये इंडिया हाउस बिल्ड करने की तैयारी कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, ताकि इंडिया हाउस से ये होगा ना कि हमारा अपने एक स्टेटस वहां पे डेवलप होगा, हमारे जो गेम के जो पार्टिसिपेशन है उनके लिए भी एक मोटिवेशन पॉइंट होगा, ताकि लगेगा हम बाहर, भारत से बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे पास एक पूरा सेटलमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी बिगन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द 150 ईयर्स ओल्ड बेली ब्रिज ओवर द नदिया सुखतावा रिवर इन विच स्टेट, भारतीय सेना ने किस राज्य में सुखतावा नदी पर 150 साल पुराने बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण शुरू किया। हमें ध्यान रखना है बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण शुरू किया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। यहां पर इंडियन आर्मी ने इस पुल का 150 साल पुराना ब्रिज है इसका पुनर्निर्माण शुरू किया है, MP में ये पुल होगा, सुखतावा ब्रिज की हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द न्यू नेवल एंसाइन फीचर्स द नेशनल एम्बलम इनसाइड विच शेप, न्यू नेवल एंसाइन में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है, तो हमें जानना किस आकृति के अंदर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक होगा, यहां पे तो यहां पे होगा ब्लू ऑक्टोगन, ठीक है, अष्टकोण होगा, तो ये पे थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा आपको समझाता हूं कि क्या होने वाला है इस, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अच्छा, इसका मतलब यहां पे देना नीला अष्टकोण जो बनाया जा रहा है इसके वन साइड में भारत का झंडा होगा, ठीक है, ट्राइकलर फ्लैग जो हमारा वो एक पार्ट पे होगा, एक पार्ट पे ये ब्लू ऑक्टन होगा, आठ भाग आठ कोण का, तो उसमें ये होगा कि हमारी नेवी की जो पहुंच होगी वो आठों कोणों में होगी, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है इसमें।
तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। लिखिए, इज दिस द फर्स्ट टाइम द नेवल ensign is being change, क्योंकि इसको हम ये मानते थे कि मतलब वो कहीं कहीं ब्रिटिश प्रतीक को दिखा रहा था, अब ये हम नया चेंज कर रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, द ट्राई कलर इज प्लेस ऑन द अपर, ठीक है, द लेफ्ट पार्ट पे आपका, इधर लेफ्ट वाले पार्ट पे यहां आपका ट्राई कलर होगा, ठीक है, ओके। तो अपर कैंटोन को हम लेफ्ट कह सकते हैं, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। एंड ऑन द राइट ए ब्लू ऑक्टागन, ठीक है। तो राइट में होगा आपका ये नीले कलर का अष्टकोण, ध्यान देना बच्चा, ये नीले कलर का जो अष्टकोण है ये आठों डायरेक्शंस, आठों दिशाओं में इंडियन नेवी की पहुंच बता रहा है कि हमारी नेवी की पहुंच आठों दिशाओं में है। जैसे उत्तर है, इधर पूरब है, तो बीच में आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। तो इस मिला के आपका आठ डायरेक्शन बन जाती हैं, उसको दिखाएगा ये ब्लू ऑक्टोगन। ध्यान देना, ये नया फ्लैग आपका नेवी का नया सिंबल, हमने जो एनसाइन यूज किया है, हमें नेवी का नया एनसाइन डेवलप किया गया है, तो ये हमें ब्लू ऑक्टोगन को याद करके चलना है, ऑक्टोगन, ठीक है। तो ये आप आराम से अच्छे से तैयार कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होगा आपको। इसमें एक पार्ट में ना आपका राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए, विच इंडियन स्टेट इन यूटी लॉन्च इट्स थर्ड सीरो सर्वे टू चेक फॉर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड 19। कोविड 19 के खिलाफ एंटीबॉडी की जांच के लिए किस भारतीय राज्य केंद्र प्रदेश ने अपना तीसरा सीरो सर्वेक्षण शुरू किया। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली ने किया है अपना कोविड 19 के लिए एंटीबॉडी की जांच के, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा केस मिले थे दिल्ली में, आपको पता होगा कोरोना के, तो उस तरह से उन्होंने इसे नई रूप में स्टार्ट किया अपना तीसरा सीरो सर्वेक्षण, ठीक है। नेक्स्ट, माया विच वॉज सीन इन द न्यूज इज द वर्ल्ड फर्स्ट क्लोनिंग ऑफ विच एनिमल। खबरों में रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है। तो भैया पहली क्लोनिंग है, चीन के द्वारा बिल्ड किया गया है, एक वुल्फ है आपको पता होगा, ये जंगली भेड़िया है, आर्कटिक वुल्फ की हो रही है, ठीक है, वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ की क्या की गई है, क्लोनिंग की गई है, और ये चीन के द्वारा की गई है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दुनिया का पहला क्लोन है जो अस्तित्व में आ चुका है, ठीक है भाई, इसका नाम है माया। किस कंट्री ने किया है, तो कंट्री का नाम आप चाइना करके आना। क्वेश्चन 24, अस्ताना किस देश की नई राजधानी है। बहुत आसान सवाल आपसे पूछ लिया है, तो अस्ताना के बारे में करके आएंगे, कजाकिस्तान की नई राजधानी है। यहाँ राजधानियों का नाम परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि पहले आपको याद होगा नूर सुल्तान रखा गया था बीच में, फिर इसका नाम चेंज, फिर से अस्ताना कर दिया गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल फिटनेस कॉन्फ्रेंस इन 2022। 2022 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल फिनटेक, ये आएगा फिनटेक वर्ड है, सम्मेलन का मेजबान है। तो ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस का आपका कौन सा शहर मेजबानी कर रहा है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई, इसकी मेजबानी कर रहा है ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम। कौन सा शहर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान है,
इसका राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग। क्या करके आओगे? रशिया का पिट्सबर्ग शहर इसका मेजबान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बार आप चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, मेजबानी पूछ रहा है वो किस शहर की, किस सिस्टम के साथ मेजबानी दिखाएगी, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ज्यादा कुछ घूमने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पे। ठीक है, तो कौन सा शहर कर रहा है? पिट्सबर्ग हो जाएगा रशिया। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय है, कौन है? तो राइट आंसर में क्या चला जाएगा आपका आंसर में 27 क्वेश्चन के आंसर में होगा आपका बी, बजरंग पूनिया ने अभी हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक अर्जित किए हैं। आंसर में हो गया बजरंग पूनिया। ठीक है, इसका भी आप खास तौर से ध्यान रखें, यह अच्छा सवाल है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट, स्टेट सेलिब्रेट सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थडे ऑफ रिफॉर्मिस्ट लीडर ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, सुधाव नेता ईवी रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है? तो सामाजिक जो न्याय दिवस मनाया जा रहा है वो आपको धरना है 20 फरवरी को ये डिसाइड किया गया है, 25 को मनाया जाएगा सोशल जस्टिस डे, जो कि ईवी रामास्वामी की रिगार्डिंग होगा। ठीक है, तो कौन से स्टेट ने घोषणा की? 28 क्वेश्चन के आंसर में हो जाएगा तमिलनाडु ने घोषणा की है, और ये डे जो होगा वो 20 फरवरी को होगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये घोषणा की है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन लीड द कोस्टल क्लीन अप डे कैंपेन इन इंडिया? भारत में तटीय सफाई दिवस अभियान का नेतृत्व कौन सा संस्थान करता है? देखिए, कॉस्टों पे जो कॉस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा होता है, खासतौर से प्लास्टिक कचरे की बात हम करेंगे, उसको क्लीन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस संस्थान ने इस पर उठाई थी उसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड। ये बढ़िया सवाल है जो एग्जाम बन सकता है, ये कचरों को साफ करने के रिगार्डिंग डेवलप की गई एक स्कीम है। इंटरनेशनल अगर मैं कॉस्टल क्लीनअप डे की बात करूँ इंटरनेशनल, तो वो 17 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल कॉस्टल क्लीन अप डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 30, रोजर फेडर द वेटरन टेनिस प्लेयर रिप्रेजेंट विच कंट्री? अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडर किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, रोजर फेडर का लिंक किस देश आता है? स्विट्जरलैंड, ये तो सब जानते होंगे, बड़ा फेमस सवाल है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2022, संघाई सहयोग संगठन शिखर की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 31 क्वेश्चन के आंसर पे आप आइए, तो उसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान कर रहा है, बच्चा ध्यान देना, और ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली है। ठीक है, समरकंद में हुई है। ठीक है, और ये हुई है 15 और 16 सितंबर, 15 और 16 सितंबर को हुई है 2022 संघाई कॉर्पोरेशन। ठीक है, विश्व के जो बड़े ग्रुप्स हैं उनका इकोनॉमिक फॉर्म टाइप का है ये संघाई कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान के ये समरकंद में है, 15 से 16 सितंबर 2022। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सेशन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपने ध्यान दिया, मेनली हमें जो डिस्कस करने वाला हमारा जो पॉइंट है वो है डायरेक्ट क्वेश्चनों के आंसर आपको अच्छे से आने चाहिए, ताकि आप अपने एग्जाम में उन सवालों के आंसर अच्छे से दे पाएं। ठीक है, बाकी कुछ सवालों पर थोड़ा बहुत हमें डिटेल में भी देखना जो हमने आपको समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही करंट अफेयर्स की जो नेक्स्ट अगली वीडियोज आपको मिलेंगी वो भी आप अच्छे से देखते रहिए। ठीक है, ओके, गुड लक बच्चों, बाय। काइंडली सब्सक्राइब डीडे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।